नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रोफेसर कॉलोनी स्थित टीकाकरण केंद्र का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल डिस्पेंसरी प्रोफेसर कॉलोनी में टीकाकरण केंद्र का अवलोकन कर विचार साझा किए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ में 60 प्लस आयु के लोगों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में कुछ अपवाद छोड़कर कोरोना के बचाव से दोनों डोज सभी पात्र नागरिकों को दिए जा चुके हैं और जो लोग रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही डोज दिए जाएंगे। 15 से 18 वर्ष आयु के बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि जिन्होंने कोरोना से बचाव के डोज नहीं लगाए हैं वह जल्द ही टीकाकरण करवा लें। 60 वर्ष की आयु से ऊपर के बुजुर्ग जनों को अब जो टीका लगना है वे भी आगे आए। उन्होंने कहा कि सभी अभी नाइट कर्फ्यू जारी है, स्कूलों में 50% उपस्थिति के साथ में स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। आज हम फिर से स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।